ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कल्प वृक्ष। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ये कल्प वृक्ष को स्पष्ट किया है। बाबा कहे बनियन ट्री के साथ इसकी भेंट की जाती है, जिसका थूर है ही नहीं, अर्थात आदि सनातन देवी देवता का थूर गायब हो गया है और बाकी सारा वृक्ष खड़ा है। बाबा कहे इस कल्प वृक्ष का वर्णन नंबर 1 शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में आता है, बाकी कोई भी शास्त्र में कल्प वृक्ष का वर्णन नहीं है। तो भगवान वाच वही आकर के हमें सारे ये कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं और कैसे अभी अंतिम समय में आकर के यह वृक्ष अपने लास्ट स्टेज में पहुंचा है, जहां से फिर एक नई दुनिया आरंभ होती है। तो इसलिए बीज रूप बाबा हम बच्चों को सारे वृक्ष का आदि मध्य अंत सुनाते हैं। बाबा कहे तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से ही 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। आज की मुरली से प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में जाना ये कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, अर्थात सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है, सारा ज्ञान रूह समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं, उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, सतयुग को कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्य की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्य की पवित्र दुनिया थी, अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। अब यहां से बाबा कल्प वृक्ष को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा, विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है, झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, बीज कितना छोटा और वृक्ष कितना बड़ा, कितना उनका रूप बदलता जाता है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष।
इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर वन धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्म की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। कल्प वृक्ष को ही विराट नाटक भी कहते हैं। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह कि कैसे इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो इतना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है। बाबा कहे ये झाड़ का ज्ञान भी गीता का ज्ञान है, जो बाप तुम्हें सन्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। फिर भक्ति मार्ग जैसे आरंभ होगा तो गीता शास्त्र आदि सब बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। इतना स्पष्ट है जो बाबा कहे, जैसे बुद्धि में ये सारा ज्ञान नाच रहा है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो। कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है और बाकी सब खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना भक्ति मार्ग में, गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकट तो अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बिल्कुल अंधेरा है ना, कितने ढेर मनुष्य है, फिर ये इतने सब होंगे ही नहीं। फिर ये सब इतने होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो, कितनी नॉलेज का अध्ययन करते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है। रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं।
कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी। बाबा कहे कल्प की आयु को ही लाखों वर्ष कर दिया। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है, मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी ये किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। पहला नंबर ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहां से आए हैं? ब्रह्मलोक से, परमधाम से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहां ये पांच तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच खंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमणि में है। सुखमणि सिख लोगों का एक शास्त्र है, तो उसमें लिखत है सच के ऊपर भी सुखमणि में है। सत कहा जाता है सच खंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो, सच खंड भी बन जाता है। भारत सच खंड था, नंबर वन ऊंचते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन है ही साक्षात्कार की दुनिया। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? साक्षात्कार से ही किसी को कौन सी देवी का साक्षात्कार होता है, किसी को कौन से देवता का साक्षात्कार होता है। इसलिए बाबा कहे साक्षात्कार के कारण ही इतने मंदिर आदि बने हैं। पूजा क्यों होती है? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं ये चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है।
हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल बाबा कहे कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते? ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसीलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल बात है, सुख का कभी किसी को वैराग्य नहीं होता। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। रामकृष्ण में सन्यास की ताकत थी, तो बाबा कहे भक्ति को समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, रामकृष्ण था बड़ा तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को मां कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। वो स्त्री को मां ताकि पवित्रता की धारणा अच्छी हो सके, इसलिए शारदा मां कहा। परंतु बाबा हम बच्चों को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि हर एक को आत्म रूप में देखो। तो बाप कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई है, सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को मां समझा, मां की बैठ बड़ाई की है। ये ज्ञान का रास्ता है, वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को मां समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्यालात नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, मां में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को मां समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी। जब रामकृष्ण ने अपनी स्त्री को मां शारदे को मां कहा, तो उस समय ये नहीं कहा कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, मां कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहां बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात, एक सन्यासी की बात। यहां तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए है। संन्यास धर्म पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। ये बहुत पतित छिछी दुनिया है, यहां शरीर पावन हो न सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। बाबा कहे पावन शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। बल यहां आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है।
जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है, खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा सोना, खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से घोरा बनाते हैं। ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूं काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाप के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। बाप की याद ही कहाँ है? ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहां आकर रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहां आकर रहे, तुमको तो कहा जाता है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। ये पहले तो भट्ठी बननी थी, शुरू में सब आकर के यज्ञ में स्वाहा हुए क्योंकि बाबा कहे भट्ठी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, एक एक का अनुभव बहुत सुंदर है। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़े में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है, उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्भाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा भी वल्भाचारी आश्रम में गए थे तो इसीलिए बाबा को मालूम है। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते रहते हैं, पिछाड़े तक समझाते रहेंगे। बाबा कहे समझाते रहते हैं और पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ही सुख ही सुख, सुखधाम में तो है ही सुख ही सुख, यह तो खातरी है। ये खातरी भी बाबा हमें देते हैं। बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। इस राजयोग की पढ़ाई से हम नई दुनिया के
मालिक बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पतित छिछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। यही कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। हर समय मनन चलता रहे तो रत्नों से बुद्धि भी भरपूर हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।